हूँ दुर्गा। द किचन क्वीन में आप सबका स्वागत है। फलाहारी व्यंजनों की श्रृंखला में आज हम बनाते हैं लौकी की टिक्की। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें लौकी की टिक्की के लिए चाहिए 150 ग्राम कोटू या सिंघाड़े का आटा, लौकी, फलाहारी नमक, हरी मिर्चा और देसी घी, या इसके अलावा आप जो भी कोई घी या तेल खाते हो। तो आइए शुरू करते हैं। ये लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है, मैंने करके रखा हुआ था। अब इसका पानी हम निचोड़ लेंगे इस तरह से। लौकी का सारा पानी हम निकाल देंगे, तभी हमारी टिक्की अच्छी बनेगी। अब लौकी को हमने घिस लिया है, इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे आटा, कोटू या सिंघाड़े का, जो भी आप व्रत में खाते हो वो आटा इसमें मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, और आवश्यकता अनुसार सेंधा नमक, जो हम व्रत में खाते हैं वो नमक। अब इसको गूंध लेंगे, इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अब लौकी और आटे को इस तरह आपस में मिला लेंगे। इसमें न पानी इसलिए नहीं डालते कि नमक से थोड़ा पानी लौकी और छोड़ देती है, जिससे ये पर्याप्त बन जाता है। नॉनस्टिक तवे को हम गैस पर गर्म करेंगे। और आटे के मिश्रण के हम इस तरह से पेड़े बना लेंगे, और इसको बहुत हल्के हाथ से हल्का हल्का आटा लगाकर छोटा छोटा बेल लेंगे। इसको हमें बहुत बड़ा नहीं करना है। बस इसको इस तरह से हम बेल लेंगे और फिर नॉनस्टिक तवे पर सेक लेंगे। इस पर हल्का सा घी लगाएंगे। एक और हम आपको बेल कर दिखाते हैं। ये बड़ी आसानी से बेल जाती है, बस इसको हल्के हाथ से ही बेलना होता है, और इसको बहुत बड़ा नहीं करते। ये लौकी की टिक्की, फलाहारी टिक्की अब तैयार है खाने के लिए, और इसे आप चटनी के साथ खा सकते हैं, दही या रायते के साथ खा सकते हैं। तो इसका आनंद उठाइए, और अगर मेरा व्यंजन आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें।